हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। फिर मैं अपना वीडियो का साथ दोस्तों, ये है हीरो के HF डिलक्स। आज की इस वीडियो में इस गाड़ी का डिटेल रिव्यू करेंगे, देखते हैं इस गाड़ी में आपको क्या क्या मिलता है, ऑन रोड प्राइस क्या है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू राजा हीरो शोधपुर, ये बीटी रोड के सामने आप देख सकते हैं, जिन्होंने हमको गाड़ी दिया रिव्यू करने के लिए। अगर आप वेस्ट बंगाल के कोलकाता के शोधपुर के कहीं आसपास रहते हो तो आप राजा हीरो को कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैं फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो पहले मैं बता दूं, इस गाड़ी में आपको 8 कलर मिलते हैं। फिलहाल मेरे सामने ये 2 कलर हैं, ठीक है। और प्राइस की बात करें तो यहाँ पे आपको, अगर आप i3s के बिना लेते हो, ठीक है, तो आपको 82,000 अप्रोक्स पड़ेगा। अगर आप i3s के साथ लेते हो तो आपको 84,000 पड़ेगा। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ i3s क्या है, शायद आपको पता होगा, नहीं तो मैं यहाँ पर आपको बता दूँ। ये एक स्विच है, अगर आप ज़्यादा देर तक गाड़ी को ऑन रखते हो तो आपका गाड़ी ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, लगभग किल स्विच की तरह ही काम करेगा, ठीक है। तो ये है गाड़ी का फ्रंट डिज़ाइन, यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत लग रहा है ये रेड कलर। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको हैलोजन में बल्ब मिल जाता है और यहाँ पे आपको हीरो का लोगो मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं गोल्डन कलर में आपको स्टिकर मिल जाता है, साइड में यहाँ पे आपको क्रोम फिनिश मिलता है और यहाँ पे आपको बल्ब में इंडिकेटर मिलता है, यहाँ पे आपको नंबर टांगने के लिए। फ्रंट में आपको 31mm का टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाता है और यहाँ पे आप देख सकते हैं अलॉय व्हील का डिज़ाइन काफ़ी खूबसूरत है सिंपल होने के बावजूद। और यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर मिल जाता है। टायर की बात करें तो यहाँ पे आपको ट्यूब टायर मिलता है, फ्रंट में आपको 275/18 का ट्यूब टायर मिल जाता है और पीछे भी आपको सेम मिलता है, ठीक है। यहाँ पे आपको पेट्रोल टैंक मेटल का मिल जाता है, चलिए मैं आपको इस तरफ से दिखा दूँ। यहाँ पे आपको पेट्रोल टैंक मेटल का मिल जाता है जिसका क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हीरो का बैजिंग और यहाँ पे स्टिकर आपको काफ़ी खूबसूरत मिल जाता है रेड के साथ साथ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑरेंज एंड गोल्डन कलर का स्टिकर काफ़ी अच्छा लग रहा है, मैं यहाँ पर भी आपको दिखा दूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लू कलर के साथ साथ वाइट स्टिकर यहाँ पर आपको मिल जाता है। यहाँ पर इंजन में भी आपको हीरो का लोगो और यहाँ पर आपको 4 गियर मिलता है। पावर फिगर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको 8 PS का पावर मिल जाता है और जो 8000 RPM पे, और जो मैक्स टॉर्क मिलता है आपको 8.2 Nm का 6000 RPM पे। ये इंजन आपका 97cc का है, फुल 4-स्ट्रोक इंजन आपको मिल जाता है FI के साथ साथ, ठीक है। ये गाड़ी आपका फ्यूल इंजेक्टेड है और यहाँ से मैं आपको एक बार दिखा दूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस गाड़ी में आपको सेल्फ के साथ साथ किक भी मिल जाता है, जो एक बहुत अच्छा बात है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इंजन में आपको हीरो को दिल लिखा हुआ मिलता है, इसका कैटलेटिक कन्वर्टर, ये पीछे का ब्रेक। इस गाड़ी में आपको कॉम्बो ब्रेक मिलता है, ठीक है। अभी इस गाड़ी में आपको डुअल सस्पेंशन मिल जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉडी कलर में आपको सस्पेंशन मिलता है। दोनों गाड़ी में मैं आपको दिखा दूँ, डुअल सस्पेंशन मिलता है, ठीक है। और पीछे की टायर की बात करें तो पीछे में आपको 275/18 का ट्यूब टायर मिल जाता है, पीछे आपको 130mm का ड्रम ब्रेक मिलता है, इस गाड़ी में आपको डिस्क नहीं मिलता। और एग्जॉस्ट आप देख सकते हैं एक बड़ा सा क्रोम का शील्ड दिया हुआ है एग्जॉस्ट के ऊपर, जो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ पे आपको सिंगल में ग्रेविल मिलता है, पीछे आप देख सकते हैं बल्ब में आपको बैकलाइट और इंडिकेटर मिल जाता है। एक बार मैं आपको दिखा दूँ दोनों ही गाड़ी, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है गाड़ी। और यहाँ पे आपको लोहे का साड़ी गार्ड मिलता है और यहाँ पे आपको कवर चेन मिलता है, जो आपको चेन क्लीन एंड ल्यूब करने का झंझट आपको नहीं रहेगा। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं HF डिलक्स का आपको ब्रांडिंग मिल जाता है। और यहाँ पे क्रोम कलर में आपको मडगार्ड मिल जाता है, अभी फ़िलहाल गाड़ी में बैटरी नहीं, इसके लिए आप देख सकते हैं फुल्ली एनालॉग मीटर मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टर्न सिग्नल का, ये है, ये आपका किलोमीटर का, स्पीड का हो गया, ये फ्यूल का हो गया, ये आपका माल फंक्शन का, ये न्यूट्रल का, ये हाई बीम का। यहाँ पे आपको हीरो का लोगो मिलता है। मिरर आपको काफ़ी खूबसूरत मिलता है, छोटा सा है। और हैंडल आप देख सकते हैं क्रोम में आपको हैंडल मार मिलता है, यहाँ पे हाई बीम लो बीम का, लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको पासिंग का स्विच नहीं मिलता है। और ये आपका हॉर्न का और यहाँ पे आपको सेल्फ का। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये गाड़ी नॉन i3s है, जो मैंने आपको पहले ही बोला था। और ये जो गाड़ी है, यहाँ पे आप देख लीजिए, ये i3s वाला गाड़ी है, ठीक है। और पेट्रोल टैंक की बात करें तो यहाँ पे आपको 9.6 लीटर का पेट्रोल टैंक मिल जाता है। और गाड़ी का सीट आप देख सकते हैं सिंगल सीट है, कुशनिंग काफ़ी अच्छा है, आप 3 लोग बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और सीट हाइट की बात करें तो 805mm का यहाँ पे आपको सीट हाइट मिलता है। गियर बॉक्स आपको 4 मिलता है और यहाँ पे आपको फुटरेस्ट फोल्डेबल है, अगर आपका गाड़ी गिर जाए तो ये टेढ़ा नहीं होगा। और यहाँ पे आपको सिंगल स्टैंड के साथ साथ मेन स्टैंड भी मिल जाता है, सिंगल स्टैंड कट ऑफ सेंसर भी मिलता है, ठीक है। और एक अच्छा
है इस गाड़ी में। अगर आपका गाड़ी चलते चलते आपका गाड़ी गिर जाए तो ऑटोमेटिक आपका गाड़ी बंद हो जाएगा, ऐसा भी सेंसर है इस गाड़ी में। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत है गाड़ी। ठीक है, स्पेशली रेड कलर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अभी माइलेज की बात करें तो ये आपका 97 सीसी का गाड़ी है, तो आप लगभग मान सकते हैं 70 से 75 माइलेज आपको आराम से मिल जाएगा सही चलाने पे, अगर आप रैश ड्राइव करते हो। ठीक है, तो भाई माइलेज कोई भी गाड़ी हो कम होगा, लेकिन 70 से 75 माइलेज आपको आराम से मिल जाएगा। ठीक है, और एक बात है जो हीरो के सभी गाड़ी में लागू है, जैसे कि आप होंडा मान लीजिए, बजाज मान लीजिए, कोई भी कंपनी हो, टीवीएस मान लीजिए, सभी गाड़ी में आपको 3 सर्विस फ्री मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको हीरो 5 फ्री सर्विस आपको ऑफर करता है। मतलब आप 5 फ्री सर्विस कंपनी से पाएंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। अगर आपको हीरो का कोई भी प्रोडक्ट खरीदना है तो मैं राजा हीरो का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।